निगमन द्वारा श्रेणियों का योग निकालना। निगमन द्वारा कैसे श्रेणी का योग निकालेंगे, ये यहाँ पे दिया हुआ है। मान लीजिए समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए समांतर डी है, इसलिए समांतर श्रेणी क्या होगी, ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी का एनवा पद ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है, माना एस एन इस समांतर श्रेणी का प्रथम एन पदों का योग है। माना एस एन क्या है, इस समांतर श्रेणी के प्रथम एन पदों का योग है। तो एस एन बराबर क्या होगा, ए प्लस डी ए प्लस टू डी प्लस ऐसे करके कहाँ तक, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी तक जाएगा। श्रेणी क्या है, एन माइनस वन इंटू डी तक जाएगा। पदों के विपरीत क्रम में लिखने पर, पदों को विपरीत क्रम में लिखने पर एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी पहले लिखाएगा और लास्ट में प्लस ए करके लिखाएगा। उल्टा कर दिए श्रेणी को, ऐसे कर दिए तो इस प्रकार से श्रेणी बनेगा। ये हो गया समीकरण एक, समीकरण दो हो गया। समीकरण एक और दो को पदों के अनुसार जोड़ने पे एस एन एस एन टू एस एन टू एस एन इज इक्वल टू ऐसे लिखाएगा। अब ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस डी प्लस ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी प्लस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी प्लस ए प्लस एन माइनस वन ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी माइनस थ्री इंटू डी। इसी प्रकार से श्रेणी आगे जाएगा और ए प्लस टू एन माइनस वन इंटू सॉरी ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी प्लस ए प्लस डी और ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी प्लस ए, इस प्रकार से श्रेणी बनेगा। तो टू एस एन इज इक्वल टू ए प्लस ए टू ए एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस ए टू ए एन माइनस वन इंटू डी, डी दो बार है कॉमन ले लिए और एन माइनस वन इंटू डी आ गया। उसके बाद टू ए, यहाँ पर भी टू और जो टू एक और एक दो ए है। उसके बाद एन माइनस वन इंटू डी, टू डी में थ्री डी का माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, बचेगा वन बचेगा और डी दोनों में से कॉमन निकाल दिए। उसी प्रकार से टू डी में वन डी माइनस कर रहे थे तो एक डी बचेगा, उसी डी को बाहर निकाल दिए तो क्या बचा, एन माइनस वन इंटू डी। उसी प्रकार से लास्ट में ए प्लस ए टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बन रहा है। तो एस टू एस एन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एन पदों को बाहर निकाल दिए और एन पदों का ये है श्रेणी है तो इस वजह से एन बाहर और टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी तो सभी में आ रहा है। तो एस एन इज इक्वल टू टू इसके अपान में चले जाएगा, टू एन प्लस एन एन इंटू टू ए प्लस एन इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी अपॉन टू, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है एन अपॉन टू, एन अपॉन टू बाहर आ गया, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है, एस एन इज इक्वल टू ए प्लस टू ए को एन अपॉन टू, टू ए को ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी एन अपॉन टू, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी किसका सूत्र है, ए एन का, तो ए प्लस ए एन भी लिखा जा सकता है। यदि इस किसी समांतर श्रेणी में केवल एन ही पद हो, मतलब एन पदों का मान हमें पता हो रहे, अगर किसी समांतर श्रेणी में केवल एन पद हो मतलब पदों की संख्या हमें पता हो, तो एनवा पद ए एन अंतिम पद होगा। एनवा पद ए एन क्या होगा, अंतिम पद होगा, यानी ए एन इज इक्वल टू एल। यहाँ पर ए एन एनवा पद को एल से डिनोट करते हैं, यहाँ अंतिम पद के लिए एल अक्षर का प्रयोग होता है, अक्षर एल का उपयोग करेंगे। इसी तरह से इस तरह से इसी परिस्थिति में समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल क्या होगा, एस एन इज इक्वल टू, जब हमें एन का वैल्यू पता हो तो क्या होता है, ए प्लस एल, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एल, यही हमारा सूत्र होगा। करके देखें, क्या किसी समांतर श्रेणी के प्रथम एन पदों का के योग एस एन का और प्रथम पद एस एन एन माइनस वन पदों के योग एस एन माइनस वन का अंतर
श्रेणी के एनवे पदों के एनवे पद के बराबर होता है करके देखें। यदि किसी समांतर श्रेणी दूसरा दिया हुआ है, यदि किसी समांतर श्रेणी के एन पदों प्रथम एन पदों का योग एस एन इज इक्वल टू फोर एन माइनस एन स्क्वायर हो है तो क्या इसके प्रथम पद का मान ज्ञात कर सकते हैं? क्या यह एस वन है? इस श्रेणी के प्रथम दो पदों का योग क्या होगा? यह दूसरा पद क्या है? इसी तरह से तीसरे चौथे पंद्रहवें और एनवे पद ज्ञात कीजिए करके देखना है। उसके बाद दिया हुआ आगे में उदाहरण 14। समांतर श्रेणी 5 1 ऋण 3 के ऋण 3 और सो ऑन, यह हो गया समांतर श्रेणी के 17 पदों के योगफल ज्ञात कीजिए। 17 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। यहाँ प्रथम पद a इज इक्वल टू है 5, a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 1 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 4। d का मान क्या है यहाँ पे? माइनस 4, 1 से 5 को माइनस कर दिया, माइनस 4 आएगा। और पदों की संख्या है 17, पदों की संख्या n बराबर है 17, तो पदों का योगफल ज्ञात करना है, मतलब एस एन ज्ञात करना है। एस एन का सूत्र क्या होगा? n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन निकालना है, n का मान दिया हुआ है 17/2, 2a, a का मान है 5 प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी का मान है माइनस 4। ये दे, अब इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। एस एन इज इक्वल टू 17 अपॉन 2, 5 दुनी 10 और प्लस प्लस नहीं माइनस माइनस 16 इंटू 4, 17 में गया तो 16 चौक 64। एस एन इज इक्वल टू 17 अपॉन 2, 10 माइनस 64। एस एन इज इक्वल टू 17 अपॉन 2, 64 में 10 माइनस किए तो 54 ये आएगा। 17 अपॉन 2 इंटू 54, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 27 में 17 को गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? माइनस 54 आया ना, तो 17 अपॉन 2 माइनस 54, 64 क्या था? माइनस में था, इसलिए तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, 27 में 17 को इंटू करना है। ट्वेंटी सेवन इंटू सेवनटीन सात सत्तुन चार की नौ हासिल में चार सात दून चौदह चार सत्ताईस एकम सत्ताईस नौ सात चौदह एक पंद्रह के पाँच हासिल में एक और चार फोर फिफ्टी नाइन। माइनस में, क्योंकि 54 क्या है? माइनस में है, इसलिए दी हुई समांतर श्रेणी के 17 पदों का योगफल क्या है? 17 पदों का योगफल, मतलब एस 17 का मान कितना है? माइनस 5 4 5 59 है। उदाहरण 15, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योग है 1050। प्रथम 14 पदों का योग मतलब एस 14 दिया हुआ है, 1050 दिया हुआ है, तथा इसका प्रथम पद 10 है और तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। प्रथम पद 10 है तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। यहाँ a इज इक्वल टू है 10, n इज इक्वल टू है 14 और s 14 दिया हुआ है, पदों का योगफल 1050 दिया हुआ है। d का मान हमें नहीं पता है, d का मान हमें नहीं पता है, तो क्या करेंगे? एस एन का सूत्र हम रख देंगे, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन दिया हुआ है 1050, n का मान दिया हुआ है 14 अपॉन 14 दिया हुआ है 2 अपॉन में 2, 2a, a का मान है 10 प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी 1050, 7 दूनी 14, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 धन 14 में गया तो 13d 1050 इज इक्वल टू 1050 के अपॉन में चला जाएगा 7 और 20 प्लस
थर्टीन डी, सात एकम सात, तीन बचा, सात पाँच छः, पैंतीस, शून्य, 150, 10150 माइनस 20 इज इक्वल टू 13d। तो 150 में 20 गया तो कितना बचा, 130 इज इक्वल टू 13d, डी इज इक्वल टू 130 अपॉन 30 इज इक्वल टू, डी इज इक्वल टू 13 एकम 13, 13 दहम 130, डी का मान आ गया 10। अब क्या बोला है प्रश्न में कि इसलिए इसका 20वां पद कौन सा होगा। प्रश्न में आगे क्या पूछा है, इस समांतर श्रेणी का 20वां पद ज्ञात कीजिए। ए का मान पता है, डी का मान पता है, तो 20वां पद मतलब कि 20वां पद का सूत्र क्या होगा, ए 20 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए का भी मान हमें पता है, ए 20 का मान निकल जाएगा, ए का मान है 10 प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी का मान भी आया है अभी 10। ए 20 इज इक्वल टू 10 प्लस 13 इंटू 10, ए 20 इज इक्वल टू 10 प्लस 13 दहम, यहाँ पे एन का मान क्या है, 20 है, 20 माइनस 1 क्योंकि ए 20 का मान निकाल रहे हैं हम, जो 20वां पद का मान निकाल रहे हैं, तो 20 माइनस 1 मतलब 19, तो 190 ए 20 इज इक्वल टू क्या मिला, 190 में 10 प्लस किए तो 200 आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद उदाहरण 16, 100 और 200 के बीच विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। सौ और 200 के बीच विषम संख्या कौन कौन सी होंगी, 100 के बाद 101, 103, 105, ये सब क्या है, विषम संख्याएं हैं, और 199 तक विषम संख्याएं हैं, और 199 तक हमें श्रेणी मिल जाएगी। 101 से 199 तक संख्याओं की उपर्युक्त श्रृंखला एक समांतर श्रेणी में है, क्यों है, क्योंकि सभी का डी का मान क्या है, बराबर है 2, 2, है ना। इस समांतर श्रेणी के प्रथम पद है 101, अंतिम पद है 199, एल का मान है 199, और सार्व अंतर डी का बराबर है 2 है, सब पता है। मान लीजिए इस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या एन है, पदों की संख्या एन है, तो एनवा पद का सूत्र क्या होगा, पदों की संख्या मान लीजिए एन है, तो एनवा पद का सूत्र मतलब ए एन का मान क्या है, 199 अंतिम पद है इसलिए 199, तो एनवा पद का सूत्र क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का मान है 199 बराबर, ए का मान है 101 धन एन माइनस वन इंटू डी का मान है 2, 199 इज इक्वल टू 101 प्लस 2n-2। इधर आके माइनस हो गया, अब 199 से 101 को माइनस करेंगे तो 8, 9, 98, टू एन माइनस टू इज इक्वल टू 98 आया। अब 2n इज इक्वल टू 98 प्लस 2, 2n इज इक्वल टू 100, n इज इक्वल टू 100 अपॉन 2, तो n इज इक्वल टू कितना आया, 50 आया। अब n का मान कितना है, 50, इसलिए 100 और 200 के बीच विषम संख्याओं का योगफल, संख्याएं तो मिल गई, 200 और 200 के बीच संख्याएं कितनी हैं, 50 है, तो पदों का योगफल ज्ञात किया जा सकता है। एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, n अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
एस एन निकालना है, मतलब एस 50 50 पदों का योगफल। 50/2 2 × ए का मान है 101 प्लस एन का मान है 50 − 1 × डी का मान है 2 है। तो एस 50 = 2 × 2 2 × 2 = 4 2 × 5 = 10 और 2 × 2 = 2 2 × 0 = 0 2 × 2 = 2 धन। 50 में गया तो 49 × 2 एस 50 = 25 2 × 2 प्लस 4 9 × 2 = 18 की 8 + 1 2 × 18 = 8 + 1 4 × 8 = 9 98 एस 50 = 25 × 2 = 2 प्लस 98 जोड़ना है तो 9 8 और 2 10 × 0 = 1 10 × 0 = 1 300 आया। अब 300 को इंटू करना है 25 से 300 × 25 25 दिया 75 एस 50 प्रथम 50 पदों का योग क्या होगा 100 और 200 के बीच विषम पदों का योग कितना है 7500। इसीलिए 100 और 200 के बीच विषम संख्याओं का योगफल है 7500। समांतर श्रेणी 17, 15, 13 और 16 के कितने पदों का योगफल 72 होगा। यहाँ प्रथम पद है a = 17 सार्वअंतर d = दिया हुआ है 15 − 17 मतलब −2। मान लीजिए n पदों का योगफल है 72 तब SN = क्या है 72 SN = मान लिए हमने 72 मान लीजिए n पदों का योगफल कितने पदों का योगफल मान बोला है तो मतलब n के ही मान निकालना है हमको। तो मान लीजिए कि n पदों का योगफल है 72 तो SN का सूत्र क्या होता है n/2 2a + n − 1 × d होता है। SN मान लिए हमने 72 = n/2 2a का मान है 17 प्लस n − 1 × d का मान है −2 है। 17/2 72 = n/2 17 × 34 − −2 − 2 n − − +2 72 × 2 = n 34 34 में 2 प्लस करेंगे तो कितना हो गया 36 −2n 2 × 4 7 × 14 144 36n − 2n² सब इस तरफ जाएगा बराबर के तो 2n² − 36n + 144 = 0 ये आएगा। सबसे 2 कॉमन निकाल लिए n² − 2 × 2 2 8 16 n + 2 7 14 2 × 4 = 0 तो n² − 18n + 72 = 0 अब क्या करना है 72 का LCM लेते हैं और मध्य पद को तोड़ते हैं तो 2 * 6 2 * 6 = 12 2 * 2 2 * 8 = 16 2 * 18 3 * 3 = 9 3 * 1 = 3 3 * 3 = 9 9 * 2 = 18 2 * 2 = 3 2 * 3 = 4 4 * 8 8 3 * 3 = 9 2 * 3 = 4 4 * 8 3 * 3 = 9 3 * 3 = 9 2 * 18
छः और तीन 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 दूनी छः, छः दूनी बारह, बारह दूनी बारह छिका बारह और छः क्या हो जाएगा अट्ठारह। तो अट्ठारह को तोड़ना है तो छः और बारह में तोड़ दिए, बारह छिका बहत्तर और बारह और छः अट्ठारह जोड़ने पे मिलेगा, तो छः और बारह में तोड़ दिए। एन स्क्वायर में से एन स्क्वायर सिक्स एन से एन कॉमन निकला, एन माइनस सिक्स माइनस ट्वेल्व एन से और ट्वेंटी टू से ट्वेल्व कॉमन निकला, एन प्लस एन माइनस सिक्स, एन माइनस सिक्स कॉमन है एन माइनस ट्वेल्व लिखेंगे, तो एन इज इक्वल टू सिक्स, एन इज इक्वल टू ट्वेल्व, एन के दो मान मिले। एन के ये दोनों मान संभव हैं, दोनों प्लस में इस वजह से संभव हैं और स्वीकार किए जा सकते हैं, अतः पदों की संख्या या तो छः है या तो बारह है। अच्छा, इस कंडीशन में एक और कंडीशन दिया हुआ है टिप्पणी इसी प्रश्न के लिए, इस स्थिति में पहले छः पदों का योगफल जीरो, पहले योग पदों का पहले छः पदों का योगफल बराबर पहले बारह पदों का योग बराबर बहत्तर होगा। इस दोहरे उत्तर का कारण यह है कि सातवें से बारहवें पद मतलब छः पदों का योगफल तो बहत्तर हो गया छः पद का, उसके बाद सातवां जैसे ही पद आएगा सातवां से लेकर बारहवां पद तक का जो योगफल आएगा वो जीरो होगा, शून्य होगा, इसलिए इस कंडीशन में ये एक्स एन के दो मान ठीक बैठेंगे। उसके बाद दिया हुआ है उदाहरण अट्ठारह नेक्स्ट में।